मैं जब आई बाबा के पास तो बाबा तभी कराची में स्कूल के तरह से बेंच थे जहाँ दादी चंद्रमणि ये पढ़ाते थे, दादी कुमार का पर बेंच थे। बेंच पर बाबा भी वहाँ बाबा हमारे पास आ नहीं सकता था, मतलब गई बातें थी। पर बाबा अचानक आया तो बाबा मैं सामने यहाँ खड़ी हूँ, बाबा यहाँ बैठा है। तभी बाबा टेबल पर, जैसे टीचर टेबल पर बैठ जाता है ना, टेबल पर बैठा था, स्वास्तिका निकाल रहा था, चक्कर की बात। तो मुझे कहा जनक, तभी से बाबा ने कहा जनक आ गई। तो मैंने रोया, मैंने कहा आ जाओ बच्ची, मैं नहीं आएंगी, आप आओ लेने के लिए। बाबा यहां से उठ के मुझे लेने के लिए आया, प्यार किया। मैंने कहा आपने इतना मुझे, अभी आप कौन हो बाबा, इतना मुझे, कितना गीता पढ़ती थी, मेरे को मार देते थे, गीता पढ़ रही हो, दादा लेखराज को याद कर रही हो, बताओ क्यों गीता पढ़ रही हूँ। बाबा मेरे सामने बैठा है, उनको दिखाती थी मैं गीता पढ़ रही हूँ, पढ़ती नहीं थी, बाबा की याद में चले जाते थे। तो बाबा की जो कशिश है ना, पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया में ले जाने की, वंडरफुल कलश है। अभी ऐसा कोई अनुभव करता है तो उसको पता चलता है मैं कौन हूं, मेरा कौन है, सारा सार है ये, मैं कौन हूं मेरा कौन है। फिर मैंने बस ये थोड़ा सा मैं जो मेरे वो टाइम लगा ना, तो मुझे लगा बाबा ने पहली मूली चलाई, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। अच्छा, अभी तक भी ये दिवाली दूसरी नहीं आएगी, उसके पहले जो पुरुषार्थ करना भी करना है। भगवान के महावाक्य सत्य है, सदाई मुझे याद है दिवाली दूसरी नहीं आएगी, जो करना है अब पुरुषार्थ कर ले। तो कभी पुरुषार्थ में अल बेलाई नहीं आई है, कभी पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं आई है, करे कराए आपे आप, मानुष के कुछ नाई हाथ। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, करने वाला भी वो है, कराने वाला वो है, पर हम सिर्फ क्या करें, क्या करें, क्या करें, जो वो कराता है ना जी बाबा, इशारा करता है ना, खींचता है ना, हाजिर हो जाओ बाबा के साथ। मैं भाग्यवान हूं, कभी भी कोई सेवा के अर्थ, किसी अर्थ बाबा ने बुलाया नहीं होगा, मैं अपने आप सामने चली गई होंगी। बच्ची आओ, बच्ची ये कहा जी बाबा। तो मैं ये क्यों बता, जी बाबा जी बाबा। तो बाबा ने एक बारी सामने आया, कहा हजूर कुछ हुक्म है हजूर कुछ। मैंने कहा मुझे शर्म आया, बाबा कहे हजूर कुछ हुक्म है। तो कहा बच्ची सदाई हाँ जी कहा है ना, तो हजूर को तुम्हारे सामने हाजिर होना पड़ेगा। तुम ये नहीं कहो बाबा आओ, बाबा आपका काम है, ये भी नहीं बोलो, सिर्फ हाँ जी कहो। तो बाबा ने इतना अच्छा अनुभव कराया है। 70 मेरे से पूछा, तुम कहती है 74 ईयर्स तुमको ज्ञान में हुआ है, फिर उसमें कोई तकलीफें नहीं आई है। तकलीफें क्या आई है, आई सो गई, मेरा साथी स्वयं भगवान मेरे साथ है। वो सब जो भी आता है ना, अपने मुंह नीचे करके चला जाता है बेचारा, पर वो करता है, वो करता है, दिखाता है मैं वो हूं। बाबा के सामने आया। Thank you.